नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, जैसा कि मालूम होगा, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग यूपी SSSC PET का आपका एग्ज़ाम 24 अगस्त को दोस्तों प्रस्तावित है और आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो चुका है। और सबको मालूम है कि हमारा सिंगल बेंच ने और डबल बेंच ने दोस्तों जो हमारा मामला था उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। और कल हम डबल बेंच में लेकर गए थे दोस्तों आपके मामले को, और वहाँ पर डबल बेंच ने दोस्तों हमारे मामले को डिसमिस कर दिया है। और आज दोस्तों आप सब ने कहा था, एक भारी अनुरोध के बाद दोस्तों हमने ट्विटर पर एक महासंग्राम चालू किया था। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना भी मेरे से बन पड़ा, जो भी कुछ मेरे से हो सका, मैं खासकर जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, जो 200-250 बच्चे फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाए थे, उनसे मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि दोस्त आप लोगों के कहने पर मेरे से जो बन पड़ा, मैं कोर्ट से लेकर ट्विटर अभियान से, और 3 दिन से मैं आप लोगों की क्लासेस भी नहीं ले पा रहा हूँ, सब के लिए दोस्तों मैं सपोर्ट में उतरा और सबका सपोर्ट किया। सबको पता है कि 10 लाख से अधिक बच्चे प्रभावित हुए। लेकिन दोस्तों मैं एक बात सबको कहना चाहता हूँ, जितने भी युवा वर्ग हैं, ठीक है, आप लोगों की संख्या 10 लाख है, बट आज जब आप लोगों का ट्विटर अभियान करने की बारी आई, ठीक है, ट्विटर अभियान करने की बारी आई, तब आप लोग कितने लोग बाहर निकले, ईमानदारी से बता देना। जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उतने लोगों में बता देना कितने लोगों ने ट्वीट किया। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आज के ट्वीट के बारे में, ठीक है, 10 लाख बच्चे यहाँ पर परीक्षा से वंचित थे और ट्वीट कितने किए। ट्वीट दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, 41,000 ट्वीट हुए, ठीक है, 41,000 केवल ट्वीट हो पाए हैं दोस्तों पूरे दिन। आज दोस्तों 3 बजे तक का दोस्तों मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, ठीक है, 41,000 तक का ट्वीट हो पाया है। तो दोस्त ये बताइए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 10 लाख बच्चे प्रभावित हैं और ट्वीट कितने आ रहे हैं, 41,000 के समथिंग ट्वीट आ रहे हैं दोस्तों ये आप सबकी कमियाँ हैं। एक छोटा सा दोस्तों प्लेटफॉर्म आपका है और यहाँ पर आपने इस तरह का परफॉर्मेंस किया दोस्तों, मैं इससे बहुत नाराज़ हूँ कि, ठीक है, जो आपके सपोर्ट में उतना दोस्तों, जितना आप लोगों ने मेहनत नहीं किया उससे कहीं ज़्यादा दोस्तों मैंने मेहनत किया इस PET को एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि आप PET एग्ज़ाम को क्यों कंडक्ट कराना चाहते हैं, तो सॉरी कैंसिल कराना चाहते हैं, तो मैं यही बोल रहा था कि 10 लाख बच्चे प्रभावित हैं और मेरे यहाँ दोस्तों खासकर मेरे यहाँ 250 बच्चे जो स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं वो स्टूडेंट प्रभावित थे, तो मैं उनके लिए उतरा था, ठीक है। मैं यहाँ से 2 से 3-4 दिन से मैं क्लासेस भी नहीं ले पा रहा हूँ उनकी। तो दोस्तों अब मेरा जो सपोर्ट था, मेरा जो प्यार था, बट आज आप लोगों ने उसका भरोसा तोड़ दिया दोस्तों। ट्विटर अभियान में दोस्तों कम से कम लोगों ने भाग लिया है और 40 से 41 हज़ार लोगों ने ही ट्वीट किया, ठीक है, जितने भी लोगों ने ट्वीट किया मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और भविष्य में दोस्तों कभी भी अगर कोई भी दिक्कत आएगी दोस्तों, तो इससे कभी भी इच्छा नहीं होगी कि हम आपके साथ सहयोग करें, ठीक है। एकमात्र चैनल जो बच्चों के हित में हमेशा खड़ा रहता है। जो भी दोस्तों हुआ, यहाँ पर 40,000 से 41,000 ट्वीट हुए, जो किया है मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिनकी 24 अगस्त की परीक्षा है उनके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और भाई सबसे बड़ी बात है, जो PET का इस बार फॉर्म नहीं भर पाए, प्लीज़ दोस्त आप लोग डीमोटिवेट मत होइएगा, ठीक है, डीमोटिवेट मत होइएगा। मेरे से जितना बन पड़ा मैंने किया है, और आप लोग, ठीक है, बहुत सारी परीक्षाएँ आपकी ग्रुप डी की परीक्षा की, उसकी प्रिपरेशन करिए, उसमें भी दोस्तों इससे कम कंपटीशन रहेगा। और जितने भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, और बहुत सारी वैकेंसी जो सेंट्रल की आएंगी उसकी प्रिपरेशन करिए। एक PET दोस्तों आपका नहीं हो पाया तो उसके लिए डीमोटिवेट मत होना दोस्त। मेरी उम्मीद दोस्तों और कामना है कि आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा, और जिस भी मंजिल पर चले दोस्त उसको पीछे मत छोड़िएगा। एक PET गया तो कोई बात नहीं, आगे दोस्तों ये वैकेंसी क्लियर हो जाए मैं दुआ ये भी करूँगा, और आगे जो वैकेंसी आया दोस्तों उसमें आप एलिजिबल रहें। तो दोस्तों अभी के लिए सूचना ये थी कि हम लोगों के द्वारा दोस्तों 40,000 से लेकर 41,000 ट्वीट हुए हैं, और ट्विटर पर दोस्तों हमारा ये ट्रेंड नहीं कर पाया, जिसके कारण दोस्तों जो हमारा ये ट्विटर अभियान असफल रहा और मेरी सारी तमाम कोशिशें दोस्तों यहाँ पर बेकार गई, ठीक है। आप लोगों ने जो भी प्यार सपोर्ट दिया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग कामना करता हूँ हमेशा दोस्तों आप लोग जीवन में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।